देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। यदि हार्मोन इम्बेलेंस हो तो उन्हें समस्याओं को सामना भी ज्यादा करना पड़ता है। यदि मंथली साइकिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनकी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम सिस्ट्रोन NCR टेबलेट के बारे में बात करेंगे। सिस्ट्रोन NCR टेबलेट क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश याक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। नॉर्थ ईस्टर्न एक ऐसा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो गर्भाशय में एस्ट्रोजन की मात्रा को बदलकर हार्मोनल थेरेपी में काम करते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हार्मोन होते हैं ना, ये महिलाओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यदि किसी महिला में ये डेवलप नहीं हो पाते या बन नहीं पाते हैं तो इनकी पूर्ति करने के लिए इन्हें सिंथेटिक रूप में लिया जाता है ताकि इन हार्मोन्स की पूर्ति की जा सके। ये मेरे हाथ में सिस्ट्रोन NCR टैबलेट है। ये सिस्ट्रोन NCR टैबलेट का ब्रांड नेम दिया गया, यहाँ पर ये बताया गया इसमें क्या मॉलिक्यूल है। चलिए इसके कंपनी के बारे में बात करें तो ये सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्टेरोन एसिटेट 10 mg होता है। ये कंटेंट हार्मोन को जो इम्बेलेंस हो जाते हैं उनको बैलेंस करने के लिए। चलिए इसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग एवं MRP के बारे में और बात कर लेते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है जून 2018 जो मेरे पास में, और इसकी एक्सपायरी है नवंबर 2019। और इसकी MRP के बारे में बात करें तो ये ₹150 की 10 टैबलेट है, समथिंग ये ₹15 की एक टैबलेट है। और इसकी पैकिंग की बात करें तो ये ब्लेस्टर पैकिंग में है, इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। तो आप इस तरह से मंथली सर्कल की से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इस टैबलेट का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो मेनोरेगिया में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिन महिलाओं का पीरियड 5 दिन से अधिक होता है या पीरियड का जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या पेनफुल ब्लीडिंग होती है तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। अनावश्यक रूप से पीरियड रुक गया या किसी कारण से पीरियड रुक गया, पीरियड नहीं आ रहा है तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। गर्भाशय में किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। पीरियड का समय बढ़ाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि पीरियड 2-4 दिन आगे बढ़ जाए, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। अनवांटेड प्रेगनेंसी में आप इसका यूज कर सकते हो। प्रीमैच्योर सिंड्रोम में आप इसका यूज कर सकते हो, मतलब जिन महिलाओं को पीरियड से पहले सर में दर्द होता है, पेट में दर्द, चक्कर की प्रॉब्लम होती है, जी मचलाने की प्रॉब्लम होती है या फिर किसी प्रकार की घबराहट चिंता की प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो डॉक्टर की सलाह से आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। चलिए इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो आप इसका यूज एक टैबलेट डेली इसको यूज लेना है। ओडी डोज होता है इसका, खाना खाने के बाद में एक टैबलेट को लेना है। यदि आपको टाइम बढ़ाना है तो उसको है ना आप एक टैबलेट यूज कर सकती हैं। यदि आपका कम समय है आपके लिए या 1 या 2 दिन बचे हुए हैं तो आप दिन में 2 बार भी इस टैबलेट का सुबह शाम BD के तौर पे आप इसका यूज़ कर सकती हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको इस टैबलेट का यूज़ कर रही हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि इसके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट देखे नहीं गए हैं। चलिए इसकी सावधानियों के बारे में और बात कर लेते हैं कि कब इस टैबलेट का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की आप प्लानिंग कर रही हैं तो उस टैबलेट का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आप ब्रेस्ट फीडिंग में आप इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको किसी प्रकार की हार्ट डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है या डायबिटीज़ से संबंधित कोई डिसीज़ है या स्किन से संबंधित कोई डिसीज़ है तो आपको इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि आपको इनमें से कोई डिसीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेझिझक इस टैबलेट का यूज कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।